वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। चलिए आज इंग्लिश का पेपर डिस्कस करते हैं। ये सेक्शन है रीडिंग, इसमें तो इसका ऑप्शन देखते क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एबव पैसेज आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें से कोई पांच करना था, तो पहले का देखते हैं क्या होगा। द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वॉज क्रिएटेड इन, इसका चेन्नई होगा राइट आंसर। और दूसरे का देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फ्रेमिंग ए पर्सनल टू प्रपोजल टू एयरलिफ्ट कैडेवर ऑर्गेन इज, तो इसका होगा नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन थ्री इसका होगा। अब सी का देखते हैं, द ऑनेरियस टास्क द ऑथर इज टेकिंग अबाउट इन पैरा वन, इसका ऑप्शन थर्ड होगा। टू कैरी द हार्वेस्टेड ऑर्गेन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो अब कोई डी में आते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गो फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट एज, तो इसका ऑप्शन फोर होना चाहिए। द कॉस्ट इज प्रोहिबिटेड, तो इसका फोर होगा। वैसे मैंने अब ई देखते हैं, मोस्ट स्टेट्स रेफर ऑर्गेन ट्रांसप्लांट कैसेज इन बिग हॉस्पिटल बिकाउज, इसका ऑप्शन वन होगा। दे डोंट हैव वेल ट्रेंड एक्सपर्ट्स। अब क्वेश्चन एफ में आते हैं, हर्ट रिट्राइव्ड फ्रॉम ए बॉडी इज अलाइव ओनली फॉर, ये तो आप पैसेज नहीं भी पढ़ते तो आपको पता होता, क्योंकि इसका इशू कुछ अभी थोड़ी दिन पहले चल रहा था, ये जो एम्बुलेंस जा रहा था उसी से रिलेटेड है, मतलब फोर आवर्स इसका होगा। अब इसमें जो ये तो आपने कर ही लिया होगा, व्हाट इज ए ग्रीन ऑथर, व्हाट इज स्मूथ ट्रांसप्लांटेशन एंड रिट्राइव्ड ऑर्गन नेसेसरी। तो फिर हम आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग सेव, तो इसका मतलब प्रिजर्व होगा इसका मीनिंग, ये तो हो गया। फिर अचीव्ड इसका होगा accomplished, ये BST में आप सबने, अगर आप सब मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो BST में पढ़ा होगा accomplished, मतलब सेम होता ऐसे अचीव्ड। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें, इसका नोट मेकिंग आपने करा होगा और जो वो था आपने किया होगा। तो सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन है, तो इसमें नोटिस था और पोस्टर मेकिंग भी था, तो फिर ये सब तो आपने करा होगा, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो और चलिए अब लिटरेचर सेक्शन की ओर, तो इसमें होगा जो डिस्कस करने के लिए वो मैं बता देता हूँ, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकेंड लाइन, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, तो इसमें मेटाफर होगा। फिर बी में आते हैं, बी सेक्शन में फिर इसका फोर्थ क्वेश्चन, विच वर्ड इज इन द पैसेज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सर्टेनिटी, इसका मेरे को है ना कन्फ्यूजन हो रहा है और मैंने जो लिखा था वो मैं भी भूल गया हूँ, अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट करें और बताएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।